हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आपका हार्टली वेलकम। आज हम सीबीएसई क्लास 10th की जो टेस्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसको लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी टेस्ट बुक को आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ में लाइव बनिए। देखो टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ेंगे, आपको मैं पहले उस लेसन की पूरी समरी बताऊंगा और उसके बाद में उसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चंस के आंसर्स सहित पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। और उसके साथ में जो उस टॉपिक्स हैं एग्जाम्स में अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं और अब वहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना है, इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ लाइव रहिए, सभी का हार्टली वेलकम है। देखो गाइड, आपके पास भी इस प्रकार की टेक्स्ट बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट, इसका नाम है। यहाँ से हमारे लिए जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड गाइड एक स्टोरी है और इस स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता है। आप मेरे साथ जो लाइव हैं वो सब अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर ले, अपने टेक्स्ट बुक को खोले। गाइड देखो, अ लेटर टू गॉड एक लेसन है और ये कहानी है। आपने मेरे आपने अपनी टेक्स्ट बुक को खोल लिया हुआ, फर्स्ट लेसन निकालो इसका। देखो यहां पर एक लेसन है, इसमें क्या होता है, देखो इस कहानी में एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। वह ईश्वर में इतना जबरदस्त विश्वास रखता है कि एक बार उसकी फसल खराब हो जाती है और वो फसल खराब होने के कारण उसका परिवार भूखे मरने वाली कंडीशन में आ जाता है और उसे अगली फसल पैदा होने तक 100 पिसोज की जरूरत होती है। ये करेंसी की मुद्राएं से बोलते हैं, जैसे जिस प्रकार से डॉलर होती है, रुपया होता है, वैसे हैं पिसोज। कहाँ की है ये, इसका मीनिंग होता है, सारी बातें बताऊंगा आपको। केवल शॉर्ट में कहानी सुन लीजिए ध्यान से। एक किसान है और वो उस किसान की फसल स्टॉर्म में टोटली डेस्ट्रॉय हो जाती है, उसका परिवार भूखे मरने की कंडीशन में आ जाता है और उसे अगली फसल पैदा होने तक 100 पिसोज की जरूरत होती है। उस आदमी में बहुत इतना तगड़ा या जबरदस्त विश्वास था कि वह ईश्वर को लेटर लिखता है। उसको ये पता नहीं इसका जिसको मैं संबोधित कर रहे लेटर एड्रेसिंग है, यानी ईश्वर है वो कहाँ रहते हैं, वो सीधा लिख देता है और उसे डाकर में बाय मेल पोस्ट कर देता है। जब डाकर के एम्प्लॉइज को ये लेटर उनके हाथ लगता है कि इसको कहाँ पहुंचाना है, तो बहुत ही सरप्राइज होते हैं वह। लेकिन वहां के जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने ये सोचा कि इस आदमी का विश्वास कितना तगड़ा विश्वास है, ये विश्वास टूट न जाए इसके लिए वह अपने एम्प्लॉइज से थोड़े बहुत पैसे जितने भी हो पाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में कलेक्शन करके उस किसान को भेजते हैं और कि उस किसान को पैसे मिलते हैं। उन पैसों में देखो कुछ कमी रह जाती है, जितने पैसे उसको चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। तो वह किसान फिर ईश्वर को लेटर लिखता है और बोलता है कि जो मैंने आपसे डिमांड की थी और जो पैसे आप नहीं भेज पाए हो वो अब मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इस पैसों की सख्त जरूरत है, ऐसा उसने कहा। और उसने एक और नोट लगाया कि अब की बार जब भी आप इन पैसों को भेजो तो इन रुपयों को डाकर के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये सारे के सारे लोग दुष्ट और बेईमान हैं। इतना तगड़ा विश्वास था उस किसान का। देखो गाइस, पहले हम इस लेसन को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं और इसके हार्ड वर्ड्स में आपको नोट करवाऊंगा। पहले देखिए आप, देखो बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजिस। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think about what your answers to these questions would be and guess how the story
कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। देखो यहां पर राइटर इस कहानी को लिखने से पहले कुछ बातें बताता है। देखो देसे पेट के मूव माउंटेन्स, वे लोग ऐसा करते हैं, यानी लोग ऐसा करते हैं कि विश्वास पर्वतों को, यानी पर्वत को हिला सकता है, केन मूव हिला सकता है माउंटेन्स पर्वतों को। वे कहते हैं कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, परंतु किस पर हमें विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोजिज, यही इसी क्वेश्चन को ये कहानी बहुत ही डिलिकेटली उत्कृष्टता से पोज सामने रखती है। इसी क्वेश्चन को ये कहानी पूरी तरह से उत्कृष्टता से सामने रखती है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन इट्स क्रॉप्स आर ड्यू। लेंचो किसान है जो ईश्वर को लेटर लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पिसोज, और उसे 100 पिसोज, 100 यानी 100 पिसोज की मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या ईश्वर का लेंचो का लेटर ईश्वर तक पहुंच पाता है या पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसे भेजता है। थिंक अबाउट व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इसके बारे में विचार कीजिए कि तुम्हारे आंसर्स क्या हो सकते हैं इन प्रश्नों के। एंड गेस, और उम्मीद कीजिए, अनुमान लगाइए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये कहानी किस प्रकार से पूरी भी होगी। बिफोर यू रीड टू बिगिन टू रीड इट, उससे पहले कि आप इसे शुरू कर पाओ। देखो कहानी किस प्रकार से बनी, कहानी का करेक्टर कौन है, लेंचो है, उसे पिसोज की जरूरत है, और कैसे वो लेटर लिखता है, इन सारी बातों को हम देखते हैं कहानी में देखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखता है। आप पेज को टर्न कीजिए और यहाँ पर पेज नंबर 3 निकालिए, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। गाइस इससे पहले आपके लिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताई है कि एक्टिविटी में क्या दिया है। एक्टिविटी कोई भी लेसन हो, वहां पर हमें जो एक्टिविटी उन्होंने दी है उसको सबको करेंगे। गाइस यहाँ पर एक यानी मनी ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, मनी ऑर्डर, डाकघर में के माध्यम से जब पैसे भेजते हैं किसी को तो वहां पर हमें मनी ऑर्डर नाम की एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक फॉर्म होता है उसे फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पर भी ये मनी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो मनी ऑर्डर आपको सिखा रहे हैं। लेकिन गाइस अब जिस एज में हम रहते हैं, यानी जिस युग में हम रहते हैं, मॉडर्न एज है, यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने के बहुत सारे हमारे पास में साधन है, उनका हम यूज करते हैं। नेट बैंकिंग है, गूगल पे है, फोन पे है, बहुत सारे हैं, भीम ऐप है, तो गाइस इस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है, तो इस एक्टिविटी को हम नहीं करेंगे और अगले जो लेसन में एक्टिविटी हमारे लिए उपयोगी होगी। एक्टिविटी का मीनिंग ये होता है आपके यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज, लैंग्वेज की एक्टिविटीज आपके लिए दी होती है, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। दो गाइस हम यहाँ से इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं आपको आज केवल 2 पैराग्राफ पढ़ाकर इस बात का डिस्कस करूंगा कि हमारी प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी प्रोसेस क्या होगी, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout that morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. देखो यहाँ पर हमारे लिए हार्ड वर्ड्स आए हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट का होता है देखो टॉप ऑफ अ हिल, उसके बाद में हमारे पास में हार्ड वर्ड्स हैं देखो डोटेड, देखो डॉट का अर्थ होता है बिंदु की तरह, यानी बिंदु, और डॉटेड इन्होंने वर्ब बनाई है तो बिंदु की तरह दिखना, इसका अर्थ है विद द फ्लावर्स फूलों से दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसके
हमें पता लगता है कि अच्छी फसल होगी। देखो इंटीमेंटली यहां पर लिखा हुआ है, इसका होता है अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे प्रकार से, नथिंग जानते हो आप कुछ भी नहीं, ये सारी बातें आपको पता है। देखो यहां पर मैं लाइन टू लाइन आपसे क्वेश्चन बनाकर बात करूंगा। गाइड जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं तो वह इस टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से आने की संभावना कम रहती है, वहां वो हर सेंटेंस से क्वेश्चन बना सकते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट था वो कितना समझ में आया। अब देखो हम देखते हैं, पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सारी घाटी में ओनली एक ही घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो अवस्थित था, प्लेस्ड था, स्थित था एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी हाउसेस वर देयर इन द एंटायर वैली। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इस प्रकार से, क्वेश्चन आएंगे हमारे, देखो हाउ मेनी हाउजी यानी हाउसेस, इसको आप हाउसेस पढ़ते हो, वर देयर इन द एंटायर वैली। इस प्रकार की राइट क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। मैं हर लाइन को आपको अभी एक बार फिर से इसको एक ही लाइन लाइन क्लियर करूंगा, लेकिन मैं आपको वो चीज पहले नोट करवाना चाहता हूं जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आती है। गाइस देखो हाउ मेनी का क्या होता है, संख्या यानी नंबर, कितने नंबर हाउसेस भी वर देयर इन द एंटायर वैली। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर लर्न करने के लिए मैं क्या करना होगा, मैं वो पहले क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन की टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है और फिर उसको लिखने का तरीका क्या है वो सारी बातें बताऊंगा। देखो इसका मतलब है उस सारी घाटी में यानी संपूर्ण घाटी में कितने घर थे। अब कितने घर थे आपको पता लग गया, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इसका हुआ एकमात्र घर संपूर्ण घाटी में जो कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राई कॉर्न डॉटेड, राई का मतलब पकी हुई कॉर्न है, कहते हैं धान अनाज है, सारे गेहूं चावल मक्का ये सारे इनको कॉर्न बोलते हैं। देखो फ्रॉम दिस हाइट यानी उस ऊंचाई से जहां पर वो घर था, वो हाउस बना हुआ था उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है, क्या देख सकता है, नदी और उन खेतों को जो पकी हुई फसल के फूलों के रूप में बिंदुओं की तरह नजर आ रहे थे, जिससे पता लगता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट करते फसल, जिससे पता लगता है कि क्या पता लगता है कि इस साल फसल पैदावार अच्छी होगी। देखो यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा हूं मैं आपसे आपके लिए, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस साइड। आप सोचोगे कि सर ये हर सेंटेंस में क्वेश्चन बना देते हैं फ्रॉम दिस साइड, लेकिन मैं आपको बताऊं गाइस ये बहुत बेस्ट तरीका है इसको सीखने का, इसमें कभी गलती नहीं होती हमसे और हम पूरा काम कर लेते हैं, यानी कि पूरे कंटेंट को समझ लेते हैं। देखो अगली बात पर चलते पर, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। देखो द ओनली थिंग केवल मात्र वह चीज पृथ्वी को आवश्यकता थी डाउनपोर, भारी बरसात और कम से कम बौछार, डाउनपोर यानी भारी बरसात और एटलीस्ट अ शावर और कम से कम बौछार तो हो, यानी कि धरती को इस जमीन को केवल मात्र एक चीज की जरूरत थी, वो कहती है तो भारी बरसात हो या कम से कम बौछार तो हो। तो देखो अब इस सेंटेंस से क्वेश्चन कौन सा बना, व्हाट वाज द अर्थ नीडेड
धरती को किस चीज की जरूरत थी? देखो आगे देखते हैं, देखो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सारे सुबह लेंचो हु न्यू इट्स फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था had done nothing else but see the sky towards उसने कुछ नहीं किया बल्कि आकाश की तरफ देखा the north east उत्तरी पूर्व की तरफ उसने क्या किया आकाश को देखा कुछ नहीं किया गाइड यहां से देखो ये राइटर आपको ये चीज समझाना चाहता है कहानी की शुरुआत कैसे करती है कैसे होती है सारी घाटी में केवल मात्र एक घर था जो ऊंची कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है वहां से कोई भी आदमी नदी और उसके फूलों से लदे पकी फसल के फूलों से लदे हुए खेतों को देख सकता था जो अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद करते हैं केवल एक चीज जिसे धरती को जरूरत थी जमीन को जरूरत थी वो थी या तो भारी बरसात हो या कम से कम बोचार हो ये जरूरत थी लेंचो जो एक किसान था उसने उस सारी सुबह कुछ नहीं किया बल्कि उसने अपने खेतों को जो अच्छी तरह जानता था उसने कुछ नहीं किया क्या क्या उसने नॉर्थ ईस्ट के तरफ देखा क्या देखा किस उम्मीद से कि हे भगवान हे ईश्वर इस फसल को जो जरूरत है यानी आप थोड़ा पानी गिर जाए बरसात हो जाए ये चीज उसने देखी नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन जब उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा तो उसको काले बादल नजर आए और उसने अपनी महिला से कहा अपनी पत्नी से कहा वुमन प्रिय यहाँ पर इसका महिला नहीं है प्रिय अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं यानी कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे थे द वुमन अब देखो पहले हम इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं देखो हाउ मेनी संख्या इससे संख्या लिखनी होती है हमें हाउसेज का समझ के नाउन है वर देयर इन द एंटायर वैली तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा जिस किसी क्वेश्चन में अगर देयर आया हुआ है इंट्रोडक्टरी देयर आया हुआ है तो आंसर की शुरुआत भी उससे करेंगे तो क्या लिखेंगे देयर या मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं या तो वॉज होगा या वर होगा ये बताएगा इसके बाद आने वाले नाउन ने देखो ओनली वन हाउस एक है तो क्या होगा वॉज होगा और ज्यादा होते तो वर हो जाता इस चीज को समझ के पहले इस क्वेश्चन को लिखो हाउ मेनी हाउसेस वर देयर इन द एंटायर वैली देयर वॉज या वर यहां वॉज वर कहां से ले अपने यहां से ओनली वन आपको देखो क्वेश्चन को रटना नहीं है क्वेश्चन को समझना है किस पैटर्न से लिखा गया है आंसर भी उसी पैटर्न से देना है ये तो आप गलती कर दोगे हजारों क्वेश्चन आओगे उनको कहां से रटोगे आप अब ये देखिए देखो देयर वॉज गलत होगा या सही होगा वॉज सही होगा वर गलत होगा क्योंकि यहां पर ओनली वन है तो देयर वॉज ओनली वन हाउस हाँ इन द एंटायर वैली इसके पीछे दौड़ दो इन द एंटायर वैली क्या लिखेंगे अपन इन द एंटायर वैली ये आपका पूरा आंसर हो गया कितने करते देयर वॉज ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली फिर अगर आपको कुछ ज्यादा पता है उसके बाद तो क्या लिखो बताइए विच सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ बर्लो हिल विच सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ बर्लो हिल देखो व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट What could one see from this height? तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, उनको तो हम सही तरीके से समझते हैं। तो one could see क्या देख सकता था? बोलिए the rivers and आपके पास में आपकी टेक्स्ट बुक है, उसे देखिए आप क्या देख सकता था? One could see the rivers and बोलो and the ripe corn dotted with plants that promised a good harvest उसे एलिजिबल फ्रॉम दिस हाइट या फ्रॉम दिस हाइट को आप सब स्टार्ट में कर दीजिए दो गाइस इस प्रकार से मैंने इसका आंसर इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया मैं आपको केवल आज हम टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं यहां से मैं कल से फिर स्टार्ट होगा करूंगा आपका टाइमिंग आपको मैंने नोट करवा दिया है व्हाट वाज द अर्थ नीडेड देखो इसको यहां से हम हटाएंगे तो
द अर्थ वॉज नीडेड, सॉरी द अर्थ नीडेड वॉज, यहां पर नीडेड इस तरह से लिखना पड़ेगा, द अर्थ नीडेड वॉज क्या थी, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इसका मतलब धरती को किस चीज की जरूरत थी, ये सारी स्ट्रक्चर क्यों बना, हम सारी चीजें देखेंगे। आज की क्लास हमारी केवल केवल मात्र इंट्रोडक्शन के लिए थी कि हमारे टेक्स्ट बुक पढ़ने का तरीका क्या होगा। आपको हमारे साथ में जब भी लाइव आओ, आने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन और नोटबुक होनी चाहिए। गाइस इस तरह से हम हर लाइन से क्वेश्चन बनाकर, यानी हर लाइन से मैं आपको क्वेश्चन नोट करवा दूंगा और उसके आंसर भी लर्न करवा दूंगा हाथ के हाथ, और फिर कहेंगे हम पेपर सेटर से कि आप आइए विधान में और आपकी मर्जी आए वहीं से क्वेश्चन कर सकते हो। हमें सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हैं और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स। इसी के बाद में हमारी एक लाइव क्लास होती है 8 बजे, वो ग्रामर के लिए है, उसे भी आप जरूर देखें। ये 7 बजे हमारी केवल 10th क्लास CBSE इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल से आ रही, जो हमारे KBS स्कूल है उनके लिए केवल टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। धन्यवाद।